प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए मुस्लिम मौलाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जोड़ो का एक नारा दिया ताकि भारत में रहने वाले लोग एक दूसरे से जुड़ें और एक साथ रहें। वहीं प्रधानमंत्री के इस नारे को मौलाना मुफ्ती ने सराहा और कहा कि ये नारा जो प्रधानमंत्री ने दिया है ये बहुत ही अच्छा है, इस नारे से हम लोग काफी खुश हैं और प्रधानमंत्री इस नारे पर लोगों से अमल कराएं ताकि भारत में रहने वाले लोग एक दूसरे से जुड़ सकें और एक साथ हो जाएं। कौन चाहता है कि देश में धर्म जाति को लेकर फसाद हो, सभी लोग अमन चैन शांति से रहना चाहते हैं, सभी जाति धर्म के लोग एक साथ सभी के दुख सुख बांट कर रहे, इसमें मुल्क की भलाई है। सामत का मतलब ये है कि मुल्क की तरक्की तो जोड़ ही में है और तोड़ में तो मुल्क की तरक्की नहीं है। प्रधानमंत्री साहब ने इस वक्त जो बयान दिया है भारत जोड़ो का, मैं समझता हूँ कि एक बेहतर इकदाम है, एक बेहतर बयान है और अगर हकीकत पे इस पर अमल होकर आ जाए तो मुल्क जो हमारा जी सुना चाहता कि इससे ज़्यादा तरक्की और उड़ान पर पहुँचेगा, जिसमें मुख्तलिफ मजाहब के लोग रहते हैं उन सारे लोगों को जोड़ के ले चलना, ये मुल्क की जमहूरियत है, उसकी तरक्की का एक राज है। मैं तो समझता हूँ ये बेहतर उनका नारा है भारत जोड़ो का, तो जो नारा उनके पक्ष में जो बयान दे रहे हैं उसकी तो हिमायत कर रहे हैं, लेकिन अमल जब उसके मुताबिक हो तब तो बयान तो मोदी जी का अक्सर आता रहता है लेकिन अमल उसके खिलाफ होता है। गौरक्षकों के बारे में उन्होंने बयान दिया कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आए दिन आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, कहीं ना कहीं कोई वाक्य होता ही रहता है, तो जो बात कहते हैं उस पर अमल कराने की कोशिश ये सबसे जरूरी है।